गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट इन द लास्ट क्लास वी रीड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड. ओके या सो व्हाट इज एमएस वर्ड. सो एमएस वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. ओके सो एंड अबाउट द हाउ विल वी स्टार्ट द एमएस वर्ड. ओके इन द कंप्यूटर. So that's go to the start button. Look here. This is a start button. Okay. Go to the start button and just click the start button and open the all program. Okay. And after that click the all program and will appear the MS Office option. And just click the MS Office. Okay. And then after you will click the MS Office and MS Office जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट क्या आ जाता है कई सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं MS Office के MS Excel MS Word ओके MS PowerPoint. तो आपको कौन सा क्लिक करना है MS Word. ओके स्टूडेंट क्लियर. फिर आपका क्या होता है स्टूडेंट ये आपका MS Word ओपन हो जाता है. सो स्टूडेंट टूडे will we discuss about the different name okay related with the MS Word document. Okay so first thing title bar. Okay student so title bar show the name of the display document and program. Okay student so MS Word स्टूडेंट तो टाइटल बार क्या शो करता है कि आपका कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओपेंड है. ओके और कौन सा डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के ओपन है. ओके सो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये आपका डॉक्यूमेंट ओपन है. ओके एमएस वर्ड यहां पे टाइटल बार शो कर रहा है कि दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नेम इज एमएस वर्ड. क्लियर स्टूडेंट. सो टाइटल बार शो द नेम ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम. क्लियर एंड नेक्स्ट ओपन द पेज नंबर 59. ओके एंड लुक हियर ऑल द हेडिंग एंड नेक्स्ट फाइल मेनू बटन. सो स्टूडेंट जस्ट बिलो ऑफ द टाइटल बार दैट मीन्स सेकेंड लाइन दैट मीन्स सेकेंड रो. ओके यस सो इट कंटेन्स मेनू ऑफ फाइल कमांड्स सच एज न्यू एंड ओपन. ओके स्टूडेंट यस एंड जस्ट हियर लेफ्ट राइट साइड. ओके सेट रिबन डिस्प्ले ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब्स. इच टैब ऑफ ऑफर शॉर्टकट बटन टू कॉमन टास्क. ओके स्टूडेंट सो यहां पर स्टूडेंट क्या होता है डिफरेंट जो है शॉर्टकट जो है सिंबल होते हैं जिसके थ्रू माउस से हम लोग डायरेक्ट सेलेक्ट करके उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट यस एंड टैब सो दैट्स टैब्स हियर फाइल एडिट व्यू हेल्प. ओके Here are different type available in file tab menu. Okay, yeah. So each tab provides a set of tools. हर एक टैब में स्टूडेंट different tool होते हैं. जैसे file पहला टैब क्या है file tab. इसके अंडर में क्या आते हैं स्टूडेंट जस्ट लाइक न्यू ऑप्शन. ओके ओपन सेव. ओके हेल्प ये सब ऑप्शन आते हैं स्टूडेंट फाइल के अंडर में. एंड देन आफ्टर एडिट. ओके तो एडिट में आपको आ जाएंगे फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल कलर. ओके यार तो ये डिफरेंट टाइप के फाइल टैब अवेलेबल है. ओके और इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट योर हेडिंग इज इंसर्शन पॉइंट. सो दिस इज इंसर्शन पॉइंट. ओके आप एमएस वर्ड स्टूडेंट ओपन करते हो तो एक लाइन वर्किंग एरिया में एक लाइन ब्लिंकिंग करता है. ओके जिसे हम क्या कहते हैं इंसर्शन पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट. ओके यस सो इंसर्शन पॉइंट इज ए फ्लैशिंग
vertical. Okay, yes, flashing an vertical line on the screen where we type the text. Suppose यहां अगर आपका cursor, that means insertion point blink कर रहा है student, और आप type कर रहे हो तो that means यहां से लिखना start होगा. Okay student, understand about the insertion? Yes, so insertion point is a flashing vertical line. Okay. On the screen and last heading is work area. So all blank page is called working area. Okay, yes, it is the area in the document where you enter or type the text of our document. Okay, yes, so document area में हम अपना जो है document type कर सकते हैं. Okay student. क्लियर. एंड इन नेक्स्ट पेज नंबर 60, रिमेंबर दिस टू. इन एमएस वर्ड योर लेटर विल बी सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. ओके, दिस फाइल्स विल हैव डॉट डी सी डी ओ सी. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज एक्सटेंशन. That means आप MS Word में कुछ टाइप कर ओके कुछ लेटर टाइप करके आप सेव करते हो तो क्या होगा, डॉट डी ओ सी फॉर्मेट में आपका फाइल सेव होता है स्टूडेंट. ओके क्लियर. सो वंस यू हैव सेव्ड योर वर्क यू कैन यूज इट इन फ्यूचर ऑल्सो. ओके, सो एक बार फाइल को सेव करने के बाद फ्यूचर के लिए हम लोग जो है यूज कर सकते हैं. So student, suppose your name is Aman. Okay, so आप file को save करते हो तो क्या save होगा, Aman dot doc. Okay student, clear. Next heading is entering text in word. So that's student, this is a line, vertical line, flashing line is insertion point. Okay, so the text you type will appear where the insertion point flashes on your screen. Okay, so look here, type the text in the document. Cursor student यहां blink कर रहा था. Okay, तो हमने type किया hello, my name is Rahul. So यहां से ये hello लिखना student start हो गया. Okay, और last में हमारा जो एक insertion point full stop के बाद blink कर रहा है. Okay, yes, and नेक्स्ट सेविंग ए डॉक्यूमेंट. ओके, आपने हेलो माय नेम इज राहुल. सो ये क्या होगा स्टूडेंट, आप दैट्स योर डॉक्यूमेंट, दैट्स योर फाइल. ओके, देन आफ्टर क्रिएटिंग ए फाइल यू वांट टू सेव. ओके, आप इसे सेव करना चाहोगे. सो दैट डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेव्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फॉर इट्स फ्यूचर यूज. ओके, हम लोग क्यों सेव करते हैं, फॉर फ्यूचर यूज के लिए स्टूडेंट. ओके, स्टेप टू सेव डॉक्यूमेंट आर एज अंडर, दैट मीन्स यहां पे आपको दिया गया है. ओके, फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइल मेनू. ओके स्टूडेंट, फाइल को सेव करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल go to the file tab. Okay, yes, and then after second step click on the save button. जैसे ही स्टूडेंट आप क्लिक फाइल टैब पे क्लिक करते हो यहां पर इसके डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे और एक ऑप्शन आएगा सेव. ओके, यस, सो क्लिक ऑन सेव बटन एंड देन टाइप ए नेम फॉर द फाइल इन दिस एरिया. ओके, सो अब आपको जो नाम से सेव करना है, जिस नाम से, अब वो नाम आप टाइप कर दो. ओके, देन आफ्टर क्लिक ऑन सेव एंड द वर्ड सेव द फाइल एंड द फाइल नेम वी हैव गिवन अपीयर ऑन द टाइटल बार. अब जिस नाम से आप सेव करते हो स्टूडेंट, सपोज योर फाइल नेम इज अमन डॉट डी ओ सी, सो यहां पर स्टूडेंट शो करेगा टाइटल बार पे अमन डॉट डी ओ सी. क्लियर. एंड देन आफ्टर क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट,
So this option is used to close the document. हमने फाइल ओपन किया, ओके, देन क्रिएट फाइल, मैंने हम लोगों ने फाइल बनाया, फिर हम लोग फाइल को क्या किया, स्टूडेंट सेव किया. अब सेव करने के बाद क्या करेंगे, फाइल को, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे. ओके, यस. सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग, सो दैट्स क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड क्लिक ऑन द क्लोज बटन. ओके स्टूडेंट, एंड देन डॉक्यूमेंट फाइल closes, clear, and opening a saved document. So अब फिर हम जो है in future, in next day कैसे अपने save file को open करेंगे student? So opening a saved document, इस option के through अपने save किए file को student हम open कर सकते हैं. Okay, yes. So what the step? We can, that means you can, and already saved document on your screen by using open option from file menu. The step to open a file are as under. So that means student, जैसे आप एक new document open करते हो MS Word, file tab में जाते हैं. Okay, first of all go to the file tab. Okay, यहाँ पर option आता है open का student. Okay, तो open पे हम लोग click करेंगे and then अपना जो है file name टाइप करेंगे, और वो फाइल जैसे ही आप टाइप करते हो यहां पर दिखने लगता है. ओके स्टूडेंट, यस. सो हम लोग क्या करेंगे, फाइल को ओपन कर सकते हैं. ओके, एंड एग्जिस्टिंग फ्रॉम वर्ड, आफ्टर फिनिशिंग वर्क यू कैन एग्जिस्ट फ्रॉम द वर्ड. सो सेम प्रोसेस, क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड बैक स्टेज व्यू विल अपीयर एंड क्लिक ऑन एग्जिस्ट. ओके स्टूडेंट, so student, that means first save, okay, and then after open, okay, and then after exit. Okay, ये सारे option स्टूडेंट कहां पर होते हैं, फाइल टैब में होते हैं. ओके स्टूडेंट, फाइल टैब. फाइल टैब में ये सारे ऑप्शन होते हैं. इसमें एक ऑप्शन न्यू का भी होता है स्टूडेंट. ओके, और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं. ओके, क्लियर स्टूडेंट, एंड हैव थ्री saving document and closing a document, okay, and open a saved document and existing from Word, okay, yes, and that's. So student, this is all about the basic of MS Word. Okay, so ye kya tha student, just basic knowledge of the MS Word. It is the time to do some work. I hope you will be able to close and open the application on your own. Okay, so student, I know that, I hope that you understand well about the how will we open this application and how will we save the document and how will we close this application. Okay, yeah, so that's MS Word. Let's revise. MS Word is a program which help us to write letter by using keyboard. Okay, and title bar show the name of the current document and program, and insertion point is a vertical flashing line on the screen. Okay, where we type the text, and Word file will have .doc extension. Okay student, so that is .doc is extension. So student, complete, total complete your third chapter, introduction to MS Word. So student, I hope you understand well. If any problem, so please contact to me. Okay.
with any topic, so no problem. And next class will be discuss about the question answer. Thank you so much. Have a good day.